कोरियर सर्विस आएगा सर, ये मेरा बंदा नहीं आएगा, कोरियर वो लेके आएगा, कोरियर कंपनी। अच्छा अच्छा, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले भेजते हैं। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो एप्लीकेशन की बात करूँ, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात करूँ, इवन एटीएम पिन की अगर नंबर बताते हैं, बहुत सारे पैसे जो अकाउंट से निकल जाते हैं। आए दिन आप ऐसी खबरें देखते रहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर या न्यूज़ चैनल्स के अंदर। मैंने भी काफी रिसर्च करी इस चीज के अंदर, मैंने पिछले 4-5 दिन के आई बिलीव काफी सारे वीडियो मैंने देखे, जिनके अंदर मैंने देखा नॉर्मली सभी ने कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखा रखे कैसे फ्रॉड होता है, ओएलएक्स पे कैसे होता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और पिछले 3-4 दिन के अंदर मैंने करीब 1.5 किलो के करीब मैंने ये इकट्ठा करा रिसर्च करके। इस बीच में मैंने काफ़ी सारे लोगों से रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, काफ़ी सारे लोगों से बात भी करी है, दुनिया भर की व्हाट्सएप चैट है। और मैं इस वीडियो के अंदर नॉर्मली आपको ये नहीं सुनाने वाला हूँ जो ये चैट वगैरह है, हालांकि एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ अच्छा, मतलब ये दिल्ली में ही रहती है। अपना बंदा भेजेंगे इधर, कोरियर सर्विस आएगा सर, ये मेरा बंदा नहीं आएगा, कोरियर वो लेके आएगा, कोरियर कंपनी। अच्छा अच्छा, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले भेजते हैं। यस सर। दोस्तों बहुत सारी रिकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के अंदर होगी, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको लगता है किसी का भला हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत भोले भाले इंसानों को ना टारगेट बनाया जा रहा है, पहले जब मैंने रिसर्च करने स्टार्ट करी तो मुझे लगा ये कुछ लोगों का काम है, 1, 2, 4, 5, 7 लोगों का। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली जो चीज़ सामने आई वो ये है कि एक बहुत बड़ा गैंग इसके पीछे काम कर रहा है। और दूसरी जो चौंकाने वाली बात है कि कुछ बैंक के लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। जी हाँ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बैंक के लोग इनके साथ मिले हुए हैं। और जिन ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर आप शॉपिंग करते हैं, वहाँ के कुछ लोग भी मिले हुए हैं जो डेटा को चोरी करते हैं और बेचते हैं ऐसे लोगों को, जिसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग जो साइट्स होती हैं उसमें आपके डेटा जो है सेव होता है और उनको बेचा जाता है बहुत छोटे छोटे अमाउंट के ऊपर। मैं अगर मेरे को क्लिप मिलती है तो मैं डेफिनेटली उसको यहाँ पर अभी लगा के आपको दिखाऊंगा कि कितने रुपये में। और जो डेटा का काम है ना, 3-3 रुपए, 5-5 रुपए में आपका डेटा बिकता है, वो एक छोटा सा आपको लगता है ना 3-5 रुपए, उसका भी 200 करोड़ का बिजनेस है, 200 करोड़ से ऊपर उस एक बंदा पकड़ा गया है। तो ऐसे सोचिए कितने सारे लोग होंगे, और अगर वो 5 रुपए में डेटा बेच रहा है तो ऐसे लोग उसका कितना बड़ा चढ़ा के इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूं, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब आप बस ट्राई कीजिएगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं तो बता देता हूं कि आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं OLX के प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप OLX यूज करते हैं तो आप जानते होंगे OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सप्लायर आपस में मिलते हैं। अब वो बायर कोई भी हो सकता है, सप्लायर कोई भी हो सकता है, दोनों ही चीज के अंदर फ्रॉड हो सकता है। इवन अगर आप अपना सामान बेचना चाहते हैं तो भी, और आप किससे खरीदना चाहते हैं तो भी। अभी कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। ये जो फ्रॉड गैंग के जो लोग होते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए मोबाइल आज की तारीख सबसे ज्यादा OLX पे बिकता है, DSLR हो गया, घर का कोई ऐसा सामान हो गया, तो उस चीज को डाल देते हैं और ऊटपटांग रेट ही डालते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का जो फोन है उसको 20,000 रुपए में डाल देंगे, सेम जैसे मेरे साथ हुआ, या ऐसे काफी सारे DSLR कैमरा वगैरह मैंने खरीदने की कोशिश करी। उसके बाद इनको पता है कि इनके पास मैसेज आएगा कि हाँ जी कितने का है, कब देना है। अब ये लोग क्या करेंगे, शुरुआत इनकी ये होती है कि हम आपको कैश ऑन डिलीवरी देने वाले हैं, जब सामान आपके पास पहुंच जाए तब आप उसके पैसे हमें दीजिएगा। पहली बात तो सबसे पहले OLX पे चैट करते आपको ये अपना नंबर देंगे, मतलब इस चीज़ के लिए कि हाँ जी हम ठीक है, नंबर आप मेरा ले लीजिए, आप मेरा WhatsApp नंबर ले लीजिए, आप मुझसे बात कर लीजिए। इनका इंस्टेंटली होता है कि OLX से बाहर निकल जाओ और WhatsApp पे या कॉल पे मुझसे बात करें स्टार्ट कर दो। WhatsApp पे आपको क्या करेंगे कि बोलेंगे कि हम आपको घर पे भेज देते हैं, उसके बाद आप हमारे को पैसे दीजिएगा। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। यूज़र को ये लगता है कि जब मेरे पास सामान आ जाएगा तभी मुझे उसको पैसे देने हैं। अब आपने मान लीजिए ऑर्डर कर दिया, जैसे मैंने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है आईफोन 10 मेरे पास आ रहा था, और उन्होंने कहा कि हमने कूरियर कर दिया है, अब आप कूरियर का अमाउंट हमारे को दे दीजिए। दोस्तों 1,000 रुपये के ऊपर, 500 रुपये के ऊपर ये लोग ऐसा करते हैं, और इनके लिए 1,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। रीज़न ये है कि आप मेरे जैसे, आपके जैसे एक बंदा नहीं होता, ऐसे लाखों बंदों को ये दिन में ठगने की कोशिश करते हैं। हजारों में सक्सेसफुल होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 × 1,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो डेली ऐसा घटिया काम करके दुनिया भर का पैसा जो है जोड़ देते हैं, और इस घटिया काम के अंदर अब चोरों को तो किसी तरीके की शर्म नहीं होती ना, तो ये आर्मी वालों का नाम लेते हैं कि मैं आर्मी वाला हूँ, अपने ऐसे आई कार्ड दिखाएंगे, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, आधार कार्ड दिखा देंगे कि मैं आर्मी वाला हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा।
अब दोस्तों नुकसान तो आपका हो सकता है अगर आप इनकी चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि चोरों का तो कोई धर्म होता नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई चीज़ खरीदने वाले हैं तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो अगर आपको कोई भी चीज़ ऊट पटांग रेट पे मिल रही है, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में मिल रही है, तो पहले ही आप ये समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप सिर्फ इतना सोच लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये वाला फ़ोन है और वो गारंटी में है, तो आप क्या आप उसे 20,000 में बेचेंगे? मेरे भाई आप उसे 50,000 में भी नहीं बेचेंगे। आप कोशिश करेंगे कि 60-70-80,000 में मिल जाए, और जेन्युइन लोग यही करते हैं। दूसरी बात, आपको बेचना तो बहुत लास्ट में आएगा, क्या आप उससे पहले इंस्टेंटली अपना मोबाइल नंबर उसका शेयर कर देंगे या फिर आप अपनी डिटेल उसका शेयर करेंगे? कभी नहीं करेंगे, अनजान आदमी के साथ आप नहीं करने वाले हैं। तीसरी चीज, क्या आप कैश ऑन डिलीवरी देंगे कि भाई तेरे घर पे जब सामान पहुंच जाए तब मुझे पैसे दियो? आप ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन नहीं है। तो अगर सामने वाला बंदा ये तीनों स्टेप कर रहा है, इट मींस ही इज अ फ्रॉड, वो नहीं भेजेगा यार, कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो सिर्फ क्या करता है, आपको बोलता है कि मैंने कुरियर भेज दीजिए, ये स्लिप है और ये आप मुझे अब कुछ कुरियर के पैसे दे दीजिए, एडवांस दे दीजिए। यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अब कितने सारे लोग फंस गए इस चीज के अंदर, अगर आपकी जानकारी में भी कोई फंसा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद वो कुरियर के पैसे लेते हैं, फिर वो कुरियर वाला क्या करता है, कुरियर वाला आपको फोन करेगा कि हाँ जी मेरे को मिल चुका है। मतलब वो असल में कुरियर वाला नहीं होता है, उन्हीं का बंदा होता है कि कुरियर यहां पर आ चुका है, आप बाकी के पैसे ट्रांसफर कर दीजिए ताकि मैं आपके घर पे आके आपको वो मोबाइल या जो भी डिवाइस है आपको दे दूं। अब आप दोबारा पेटीएम का नंबर करेंगे उसको। अब मैंने क्यों कहा कि बैंक वाले इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो पेटीएम के पैसे हैं वो बैंक में ट्रांसफर होते हैं और वो बैंक के लोगों का अकाउंट जो है वो रेंट पे लेके रखते हैं, और ये 100% कंफर्म है। अगर कोई मुझसे मांगता है तो मेरे पास काफ़ी सारे सबूत है आज की तारीख में। मैं बिना रिसर्च के कोई भी बात ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, इसमें ऊटपटांग, एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आई हैव प्रूफ फॉर दैट थिंग। सो वो आपसे वो पैसे ट्रांसफर करा लेगा पेटीएम के अंदर, और पेटीएम से वो तुरंत वो अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा लेगा। उसके बाद दोबारा आपके पास फोन आएगा, हाँ जी मैं आने वाला हूँ मैडम, वो थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा वो पड़ेगा, या सर जो भी है। तो ऐसे में इंसान के पास वो प्रोडक्ट तो पहुँचने वाला नहीं है, और जब उसको ये लगेगा कि मेरे से ठगी हो गई है, मैं ठग चुका हूँ, तो ये लोग आपको गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर देंगे, या फिर जिसने भी वो सामान लिया होगा उसको उटपटांग चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देंगे। तीसरी चीज़ जो मुझे जेन्युइनली बहुत अजीब लग रही है कि ये लोग खुलेआम बोलते हैं कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते, जिससे मुझे किसी हद तक तो जाके ऐसे लगने लग जाता है कि या तो जेन्युइनली पुलिस वाले इनका कुछ नहीं कर सकते, या फिर पुलिस वाले चाहते नहीं है कि इनका कुछ करें, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि पुलिस वाले इनको पकड़ नहीं सकते। पेटीएम नंबर है उनका, बैंक अकाउंट में डेफिनेटली पैसा जाता है, उन लोगों का मोबाइल नंबर भी है, खुलेआम ये ऐसी लूट इन्होंने मचा रखी है OLX के प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर और अदर प्लेटफॉर्म पर भी डेफिनेटली ये कर रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कर रहे हों। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस वाले इन पर नज़र नहीं रख रहे? और ऐसी धोखाधड़ी की तो बहुत सारी खबरें आती है, लेकिन पकड़ने वालों की कितनी खबरें आती हैं दोस्तों? तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पुलिस कितनी ज़्यादा सचेत है इस चीज़ को पकड़ने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप कैसे सचेत हो सकते हैं, और डेफिनेटली उसके बाद 99.9% चांस है कि आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं OLX के ऊपर, नेवर गिव एडवांस। जब तक आपके पास सामान नहीं पहुंच जाता है, आप किसी बंदे को एडवांस में पेमेंट मत कीजिए। सामान देखिए आपको ठीक लगता है उसके बाद ही पेमेंट कीजिए, अदरवाइज पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अगर कोई सामान खरीदना है, कोशिश कीजिए कि वो आपके लोकल एरिया के अंदर हो, क्योंकि OLX पे ऐसा एक फीचर आता है कि लोकल एरिया में ही बंदे से खरीदना है, कोई रिमोट या आउटसाइड एरिया से लेने की जरूरत नहीं है, और आप उस बंदे से फेस टू फेस मिले, वो भी किसी पब्लिक प्लेस में। पब्लिक प्लेस से कहने का मतलब है मेरा कि कैफे कॉफी डे हो गया, कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे पब्लिक हो, ऐसी जगह पे उससे मिलिए। क्योंकि एक दो केस ऐसे भी आए हैं कि एक अनजान जगह पे लोगों को बुलाया, पीछे से उनको हिट करा। मैं उसकी भी कोशिश करता हूँ, कोई फुटेज मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, और उसको नुकसान पहुंचा, सर फोटो अलग से और सामान चला गया, जो जेब में पैसे थे वो भी चले गए और लूट के ऐसे निकल गए। तो ऐसे ही बहुत सारे केस देखने में आए हैं दोस्तों। तीसरी अगर बात करें तो जितनी भी डिस्कशन होती है वो आप सिर्फ OLX के चैट में ही रखिएगा। वो आपसे जितना मर्जी कोशिश करेगी मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए या फिर अलग प्लेटफॉर्म पे बात कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है उससे अलग प्लेटफॉर्म पे बात करने की। जो OLX की चैट है उसमें सफिशियंट चीज़ें अवेलेबल है, आप उसमें पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपने जो भी डिटेल आपको शेयर करनी है चैट के अंदर वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है उससे आगे जाने की, उसी के अंदर अपनी जो डिटेल्स को है जो शेयर करके रखिएगा। अगर आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आती है, ये मैं नंबर दे रहा हूँ OLX के कस्टमर केयर का, आप उस पर बात कीजिए, उसको फ्लैग कीजिए कि ये बंदा है मुझे सही नहीं लग रहा है, काइंडली इसको चेक करके बताइए। हालांकि इसमें तो OLX का भी फॉल्ट है कि जो सेलर होते हैं उसको बिंदास मतलब कि आओ जी और बेचो जी ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो वेरिफिकेशन करना चाहिए जितने भी सेलर उनके यहाँ पे आते हैं।
बट चलो जो भी है, एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, भूल कर भी अपनी बैंक की डिटेल, एटीएम कार्ड की डिटेल शेयर मत कीजिएगा। ये सबसे वर्स्ट केस सिनारियो होता है कि अगर आप वो आपसे बोलते हैं कि आपके फोन पे एसएमएस आएगा, मुझे वो कोड बता दीजिए, ये कर दीजिए, इवन बैंक वाले तक की इतनी वो नहीं है कि वो आपसे मांग सके पिन, जो आपके फोन पे जो ओटीपी आता ना, वन टाइम पासवर्ड, वो ले सके, तो उसकी तो ओएलएक्स वाले को तो छोड़ ही दो, सेलर को तो छोड़ ही दो। तो कोई भी इंसान, इवन चाहे बैंक से अगर कॉल आए, तो आपसे अगर ओटीपी मांगता है या बैंक से आपसे कार्ड की डिटेल मांगता है, कभी मत दीजिएगा दोस्तों। एक अलग चीज जो हटके सामने आती है कि जब मैं अपना सामान बेचना चाहता हूं तो मेरे साथ क्या फ्रॉड हो सकता है। बड़ा ही मेरे साथ जो हुआ वो बड़ा अजीब सा केस हुआ, वो ये हुआ कि मैंने एक फोन डाला सेल आउट करने के लिए, मैंने सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस मैंने डाला बेचने के लिए। तो ऐसे में आपको एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पैसे मिलने के चांस हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे 30,000 रुपये बेचना है, तो मेरे पास इंस्टेंटली इंटरनेशनल उससे मेरे को मैसेज आता है कि मेरा ये नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। बंदा व्हाट्सएप करता है, मैं अमेरिका में हूँ, मतलब कैलिफोर्निया में हूँ, मेरा एक जानकार है गुड़गांव के अंदर, उसको फ़ोन चाहिए, मेरा मतलब कि बहुत रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव है, उसका बर्थडे है, मुझे उसको गिफ्ट करना है, सरप्राइज गिफ्ट करना है, तो आप काइंडली उसको कुरियर करा दीजिए, आप मुझे स्लिप दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 30,000 रुपये का फ़ोन में बेचने वाला था और ये मुझे उसके 32,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसको फ़ोन बड़ा पसंद आ गया, मतलब सिर्फ पिक्चर्स के अंदर। तो चलो जी, मुझे तो आइडिया था खैर कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड या है जो मुझसे बात कर रहा है, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको मेल कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को मेल भेजी कि मैंने बैंक से जो है पैसे ट्रांसफ़र लगा दिए हैं, आप काइंडली इसको मेरे को जो है स्लिप दिखा दीजिए मुझे कि आपने भेज दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे, इससे पहले जो बंदा जिसने कुरियर भेजा था ना, जो मैंने अभी पिछली बात करी जिसे मैं परचेज कर रहा था, उसी कुरियर स्लिप के ऊपर जो ट्रैकिंग आईडी लिखा होता है वो मैंने डाल के देखा था, वो भी फेक निकला था, तो मुझे उसी टाइम मालूम पड़ गया था कि इसकी बैंक की जो मेल है वो भी फेक है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कुरियर तो नहीं कर सकता जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, आप जब पैसे मिलेंगे तभी आप मुझे, जब भी मैं आपको कुरियर करूंगा। तो उसने बोला मैंने पेमेंट जो है स्टॉप करा दी है। अरे बाप रे, मतलब बैंक जो है, एक तो बैंक उसका जीमेल आईडी यूज़ कर रहा था, मुझे वहीं से समझ में आ गया था, फिर मैंने उसको लिखा कि यू आर फेक, तो उसका वही सीन चालू हो गया, शायद यहीं पे कोई ऐसे इंटरनेशनल सिम लेके ऐसे रखते होंगे, आजकल नंबर खरीदना तो बहुत आसान हो चुका है, तो लोग ऐसा काम भी करते हैं कि आपको मन मांगा पैसा जो है वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप अपना सामान बेच रहे हैं। बस उनका पर्पस ही होता है कि किसी तरीके से आपका सामान जो है वो कहीं पे कुरियर होने के लिए निकल जाए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ये ओएलएक्स को लेके मेरा एक एपिसोड था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, इसमें दिए हुए टिप्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का मतलब इससे भला हो सकता है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आगे मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेकवानी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।